मैं टर्किश कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ। मिसेस खान को ले आइए, मिसेस खान को ले आइए, यहाँ पे आ जाइए। और आपका तजर्बा चाहिए यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मैं बनाता हूँ, किसी का तजर्बा नहीं चाहिए, ना मुझे आपकी कोई माहिराना राय चाहिए। प्लीज पहले बताओ तो क्या बात है। बता रहा हूँ, तुम सब्र करो। आज बेसब्रे हो रहे हैं कि घर जाते ही बनाना इन्होंने। जी ये मैंने बटर लिया है, और बटर को मैं हमेशा प्रेफर ये करता हूँ कि बटर के अंदर आप बनाए। टर्किश कढ़ाई है, और टर्किश कढ़ाई बहुत आसान होती है, बड़ी जल्दी बन जाती है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इट टेस्ट रियली गुड। अब आज मुझे पता नहीं बटर की मक्खन से मैं पालक पनीर, बाकी मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं खाना ठीक ही बनाने लगा हूँ, ढंग का बनाने लगा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे? इट वाज रेडी गुड। यार कोई महंगी वाली डिश खिलाना हमें। क्या क्या अरे भाई ये वाली बहुत महंगी है, आप इसके अच्छा मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं करने क्या जा रहा हूं। अब इसके आपको पता है मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्याज जो है वो मैं सबसे पहले डालता हूं, और इसको मैं बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करता हूं। रीजन इज कि अगर आप प्याज को ब्राउन कर लेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो सारा चला जाता है, एंड फिर उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचता उस प्याज के अंदर, और फिर काला काला प्लस एक काला काला सा सालन होता है, प्लस एक कड़वाहट जो होती है वो आ जाती है। ये डिश का नाम तो बताओ सबको। ये टर्किश चिकन कढ़ाई है, दैट्स इट। बस क्या बात है, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर एक क्रस्ट मैंने डाला हुआ है, इसके अंदर वाटरमेलन सीड्स हैं, इसके अंदर बादाम है, और इसके अंदर पाइन नट्स हैं। ये है, ये तो बहुत महंगी डिश बन गई। हाँ बहुत महंगी है। डोंट वरी, डोंट वरी, सिट डाउन। कुछ नहीं, ये मुझे दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ये हरी मिर्च, ये हरी मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च। आप जबरदस्त, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे इट्स गोइंग टू बी रियली 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 स्पाइसी। इट इज गोइंग टू बी स्पाइसी, इट इज स्पाइसी। Yes, it's the always spicy when I, spicy when I when I make food. अच्छा, it's spicy. सारी खट्टे डाल दे तो फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। आपको आपको सर्टन तरीके से डालना होता है। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, और नमक के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा चिली पेपर जो है ये ऐड कर रहा हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जिसको जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ उसको उसी तरह से डालें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट आई वोंट प्रेफर दैट। हाँ, इकट्ठा डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, अलग अच्छा, अलग डालेंगे चाहिए। और नहीं, कुछ भी नहीं, ये है मेरे पास। अच्छा, ये तो बता दो क्या था? ये वही है जो मरकब मैंने आपको बताया था, सर पे जो लगाना, सर पे ना लगाना, पानी में डालना। अच्छा, अगर किसी ने बुला लिया शो पे तो ये तो मत करो। अच्छा, हाँ जो है तारीफ भी कर दी भाई। इसके अंदर पाइन नट्स हैं, इसके अंदर बादाम है क्रश्ड, और इसके अंदर इसके अंदर सनफ्लावर के सीड्स आल्सो हैं। तो एंड ऑफ कोर्स आप दुकान से मिल जाते हैं? जी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं जी, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। ये कूटी हुई मिर्च, क्रश्ड पेपर, मेरी हर डिश का खास इंग्रेडिएंट। एंड दिस आल्सो, यस 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 यस। नहीं नहीं, सबसे महंगा आइटम, अभी इसमें ये नहीं जाएगा, अभी ये नहीं जाएगा, सबसे महंगा आइटम ये, अभी ये नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मिसेस खान ये देखें। अच्छा ये देखिए क्या है, ये क्रश पेपर्स है, लेकिन उसका मैंने पेस्ट बना के डाल दिया, ग्रीन ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली। अब मुझे चिकन दे दें प्लीज। जी लीजिए, थैंक यू जी, थैंक यू। और चिकन धो के जल्दी बनाना होता है, इसलिए मैं बोनलेस इस्तेमाल करता हूँ। आप बोन के साथ भी बना सकते हैं, डजंट रियली मैटर टू मी। आप अपने घर में क्या करते हैं, आई डोंट केयर, कुछ भी करें एज लॉन्ग एज यू आर सेफ। लेकिन वैसे लग अच्छा रहा कि मजे की चीज बना है, इंटर जो है ना, देश एंड द स्मेल एंड द अरोमा, अरोमा व्हिच इज कमिंग, द स्मेल। आई होप, आई होप, आई होप, आई होप, आई होप, आई होप, आई होप। और ये आप बना सकते हैं बहुत आराम से, इसमें बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगती है। राइस के साथ खाएंगे या रोटी के साथ? हम पराठा आपको देंगे, आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, इट डजंट रियली मैटर। चलो भाई फटाफट दो पराठे ले आओ। हैं हैं पराठे हैं लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्राउन करना चाहता हूँ, एक सडन टिंच देने के लिए, एक फ्लेवर देने के लिए। तो मैंने इसके अंदर ये साबुत मिर्चें जो हैं ये डाल दी हैं। अच्छा, अभी आपको उसका अरोमा आ रहा होगा। तो ये आप बहुत आराम से घर पे बना सकते हैं। अच्छा, आप टेलीफोन कॉल हमें कर सकते हैं, आप मुझे दे भी सकते हैं कॉल जी। तो आपका सब्र क्यों नहीं होता, व्हाई इज इट कि सब्र नहीं होता बिल्कुल भी?
ना सास से होता ना बहू से होता, लड़ाइयाँ होती हैं भाई। जिस घर में सबर आ जाएगा ना उस घर में शांति आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। सुपर मैसेज आती है कभी सास घर में अमर आ जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ, कौन है? मैं सनिया बात कर रही हूँ कराची से। माशाल्लाह, फरमाइए क्या कहेंगी। टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप ही के लिए लाए। मैं मिसेस खान के लिए थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जी जी जी। तो मैं इनको 30 साल पहले से जानती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा हिस्सा करा है और आज मैं मान रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉल आई थी तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बाई मिस्टेक उनसे कुछ हो गया होगा, लेकिन मिसेस खान बहुत हम्बल और बहुत सिंसियर। ऑफ कोर्स वी लव हर, ऑफ कोर्स वी लव हर। इनके लिए नहीं कह रही, अपने लिए नहीं कह रही, मेरे फैमिली में इन्होंने बहुत से रिश्ते कराए हैं जो सक्सेसफुल है। और मैं छोटी सी एक बात आगे करना चाहती हूँ कि जैसे सास बहू के रिश्ते की बात है, तो देखिए ये एक रियलिटी है कि जब तक आप इस रिश्ते के अंदर प्यार मोहब्बत तो ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, मैंने अपनी बेटी की शादी की और उसके घर में दो सास हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ससुर भी मौजूद है, और मेरी बेटी कोई मतलब एजुकेटेड है, मास्टर्स किया हुआ उसने, पेस एंड सर्विस है, लेकिन उसने घरदारी के लिए अपने आप को बिल्कुल भुला दिया है। भुलाने से मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई ये, बस उसको ये कि मुझे अपना घर बनाना है, अपना घर बचाना है, अपने घर को बहुत अच्छे से लेके चलना है। तो शायद मैंने, हेलो जी 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 आप बोलिए बोलिए जी, शायद मैंने अपनी बेटी को इतनी दुआएं नहीं दी होंगी जितनी उसको उसकी सासें देती है। इतनी दुआएं जितनी दुआएं वो अपनी दोनों सासों से लेती है, अपने ससुर से लेती है। बेटी हो गई है माशाल्लाह उसको, तो वो बेटी के लिए जान है जान, वो बच्ची अपने दादा दादियों की जान है, उसके बगैर नहीं रहते। क्योंकि उसने कभी अपनी बच्ची को, उसने कहा ये इन्हीं की फैमिली का हिस्सा है और इन्हीं के अंदर इसको रहना। तो बस ये तरबियत पे बहुत काउंट करता है, बेटों पे बहुत काउंट करता है। अपनी बेटी को सिर्फ इतना सिखाया था कि बेटा अगर आप किसी के बेटे को जुदा करोगी ना तो कल आपका भाई आपके वालदैन के साथ यही करेगा। थैंक यू जी, सोच के अपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने इसके अंदर क्रीम जो है अब वो ऐड कर दी है। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा ब्राउन किया है बिकॉज इसके अंदर वो थोड़ी सी क्रिस्पीनेस में चाह रहा था कि वो क्रिस्पीनेस आ जाए, और जाहिर है वो आहिस्ता 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 और आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। इट्स या ये फिर माइल्ड हो जाएगा थोड़ा। जी जी, माइल्ड तो नहीं, नहीं आपको इतना ज्यादा लगेगा। अच्छा, इससे पहले क्या ऐड किया था? इससे पहले क्रीम ऐड किया था। वाह भाई वाह, क्रीम ऐड की, क्रीम भी हो गई और दही भी हो गई। जी बेटा, अब ये जाहिर ये तो हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों, खान ने बात की? नहीं, आप तो कर सकती हैं, एक बात हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन हम मतलब जनरली पीपल। जी जी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल में महीने में एक बार तो बनाया जा सकता है। ये तो महंगा वाला आइटम डला नहीं है, थोड़ी देर में डलने वाला है वो। नहीं, अच्छा मैं इसमें गार्निशिंग नहीं करूंगा बिकॉज अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी जिस अंदाज में हमारे पास आते हैं, मैंने भी इसको चख के देखा है, मैं इसकी गार्निशिंग नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज देर सॉगी सो देर नॉट गुड। मैं इसकी गार्निशिंग नहीं करूंगा, लेकिन गार्निशिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ खोपरा। अगर आपको कहीं से खोपरा मिल जाए तो आप वो भी उसको ऐड कर सकते हैं। एक खोपरे को ऐड करने का एक बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, खोपरे को आप क्रश पेपर के साथ मिला लें और जब आप वो उस पर स्प्रिंकल करेंगे बनने के बाद तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको स्प्रिंक खोपरा, क्रश खोपरा जो मिलता है आपको वो ले लें और उसके बाद उसके अंदर क्रश पेपर आप ऐड करें और उसके बाद वो जब आप स्प्रिंकल करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। अच्छा, प्लस आप इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास गार्लिक ब्रेड है तो आप इस पर बनने के बाद अपनी प्लेट में जब आप इसको हॉट में निकालें तो उस पर पार्मेजान चीज डाल दें एंड देन हैव इट विद गार्लिक ब्रेड, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। सुन के मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया। यम्मी, वैसे वैसे साथ में तो सोडा भी मंगवा लो। ये तो हमारे बच्चा जो है साहिर लोधी एक शेफ, नहीं नहीं ये शुरू से एक शेफ भी है, क्योंकि इसकी मैंने जलेबियां और जो वो पूरियां खाई हुई है, बनी हुई जलेबियां और पूरियां खाई हैं, आई वाज रियली शॉक्ड। जलेबी हर एक के बस की बात नहीं है, जलेबियां आप आप खाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप जलेबी में दास देख ले तो फिर आप और ऑमलेट भी ऐसा मजे का, मैं तो परेशान हूं। मिसेस खान सुबह सुबह आज जी इसको दिखा दीजिए, टॉप शॉट दीजिएगा इसका। दैट्स रियली नाइस, दैट इज रियली नाइस, दैट इज रियली नाइस। गाइस प्लीज सेट, मैं बस जरा किचन क्लीन करके आ जाऊं। हाँ अच्छा, किचन क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाइए प्लीज, आप जाइए, अब मेरा काम है।
किचन क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ काउंटर किचन का क्लीन करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर और डाल रहा हूँ, मेरे पास ये जो क्रश्ड मेरे पास बादाम है और वो है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसकी थिकनेस जो है वो आ जाएगी, थोड़ा सा इसका करी जो है वो थिक हो जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली, आई एम होपिंग दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। इसको आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। उसके बाद मैं ये किचन के अंदर चीज़ें रख रहा हूँ। ऑफकोर्स आपको मैंने हमेशा कहा है कि अगर किचन क्लीन नहीं होगा तो योर वर्क इज़ हाफ डन। आपका किचन, आपका काउंटर टॉप बहुत क्लीन होना चाहिए, बिकॉज अगर वो क्लीन नहीं है तो फिर नथिंग यू हैव डन नथिंग राइट, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको वो क्लीन करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी चूल्हे के पास ब्रेक है बात है। आइए जी, आइए, तशरीफ लाइए, आइए मिसेस खान। नहीं नहीं, आई विल कम। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है जी, देखते हैं कि क्या होता है। अब मैंने तो बना लिया है, अब वो फाइंड आउट हाउ इट इज। यार तुमने पराठे बड़े टाइट बनाए, जबरदस्त, क्या बात। बेटा ये पराठे टाइट मैंने नहीं बनाए, हाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए। आने दीजिए, आपा को भी आने दीजिए, आपा को ले ले, आ जाएंगे आप। अच्छा ऑलराइट जी, ऑफकोर्स जवान है, ऑफकोर्स जवान है। अच्छा मैं पहले आपको बता रहा हूँ, चूंकि मैं मिर्चें ज़्यादा खाता हूँ इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा मिर्चें रखता हूँ। आपको यू कैन यूज एज मच एज यू कैन। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जी, सो दिस इज, ऊपर से दिखा दीजिए एक टॉप, ओह टॉप शॉट इज गुड, टॉप शॉट इज गुड, इज रियली गुड। ओके जी, ओके अब मैं दे रहा हूँ, पहले आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा सा देता हूँ। फेस एक्सप्रेशन सबने बहुत अच्छे बनाने, नॉट रियली, नॉट रियली, वॉट एवर, हाउ एवर यू फील, however you feel, जो आपको लगे, जो आपको लगे आप वो कर दीजिएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है, अगर आपको लगता है बुरा है तो ये बुरा है। कैसे बुरा हो सकता है, let's be really honest about it, let's be honest about it। भाई जबरदस्त भाई, जादू है बहू क्या, मेरे मतलब है जादू है साहिब बेटा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दो अपने जी, जरूर दे दीजिए आप उसको, मैं दे दूंगा, आप उनकी फिक्र ना करें, तबस्सुम को लो, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाद में हो जाएगा, आप ले लीजिए, बाद में बिल्कुल दे देंगे, तबस्सुम को भी दे देंगे, तबस्सुम के साथ कोई और है उसको भी दे देंगे। नहीं आज उसकी बेटी गई हुई है, हाँ हाँ बिल्कुल, तबस्सुम की बेटी आज गई हुई है, लाजमी। चल अब ये, सो वी विल फाइंड आउट, पराठा उनको भी तो दे दीजिए, ले लीजिए, वाओ उम्मीद नहीं कर रहा था इतना टेस्टी होगा, बाकी बहुत टेस्टी, इसके हाथ में है भी टेस्ट, लेकिन बहुत मजे का है। मैंने वो पालक पनीर जो आपका था ना, वो भी मैंने जाके जरूर ट्राई किया, मैंने कहा कि करना है, बहुत इजी, देखा ना ये रेसिपी भी इतनी इजी है, इतनी क्विक बना दी सारी चीजें, बस आपने जल्दी जल्दी ऐड की और बहुत जल्दी रेडी हो गया। हम घर में इतना टाइम क्यों पालक पनीर वाले दिन किसी दिन मुझे बुलाना पालक पनीर वाले दिन अब मैं भी आना चाहूंगी। पालक पनीर कब बनाओगे अब? आप जब कहेंगे बना लूंगा मैं। उस दिन बना देते हम लोग आएंगे। बहुत मजे का, मैं स्पाइसी ही खाती हूं, लेकिन बहुत 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 थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल है, आई डू अपोलोजाइज इफ इट्स वेरी स्पाइसी, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? सर मैं सोनिया बात कर रही हूँ, डिफेंस कराची से। जी सोनिया बोलिए। अच्छा सर, बात हो रही थी ना, आप लोग डिस्कशन कर रहे थे सबर पर, बर्दाश्त पर, तो मुझे एक क्वेश्चन है सबसे, जो सीनियर्स हैं और जो भी हमारे साथ यंगर हैं, सब जितने भी लोग हैं, कि सबर कितना होना चाहिए? 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल, मतलब 2024 की जनरेशन में आप लोग क्या समझते हैं कि कोई सास किसी को मतलब मार सकती है, किसी पे हाथ उठा सकती है? No. और वो एक लेवल कि जिसमें आपके माँ बाप आपको डॉक्टर बनाए, मतलब मैं खुद गायनेक हूँ, मैंने FCPS किया हुआ है, ट्रेनिंग मैंने की, क्योंकि जिस वक्त हम लोग ग्रेजुएट होते हैं सर, हम 22 साल के होते हैं। अब सोचें ये 10 साल की जो पूरी मेरी जो एक जर्नी है लाइफ की, उसमें मैंने जब रिश्ता मेरे लिए आया था ना, तब मैंने देख के कहा था कि पापा ये ना मम्मी डैडी, ये कभी मेरा नहीं होगा, ये कभी भी मेरा नहीं होगा, मुझे मम्मी डैडी लग रहा है।
नहीं करें आप ऐसा सा, मेरे साथ ना करें झगड़ा, पर वो बस नसीब बोले किस्मत बोले हो गया। अब जब हो गया तो वो दिन है और आज का दिन है, तो अभी भी वो मेरा नहीं हुआ क्योंकि वो मम्मी डैडी है, वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा क्योंकि वो वन एंड ओनली है, जो माँ बोलेगी तो वो करेगा। तो ये अवसर मेरे पास क्या था, मेरे पास एक अपने जो मेरे बाप ने मुझे दिया था कि तुम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मैंने ऐसी चीज़ तुम्हें दे दी, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, ट्रेनिंग मैंने आफ्टर मैरिज की, ट्रेनिंग इस तरह की सर मैंने पी एन एस शिफा की ट्रेनिंग की, और मैंने आपको पता होगा कि वो फौजी किस तरह चलाते हैं, फौजियों की तरह ट्रेनिंग की। उस वक्त मैं प्रेगनेंट हुई, उस वक्त भी जब प्रेगनेंसी में भी मेरी प्रेशर्स थी 3 साल बाद, उसमें भी सुनती थी तुम हो डॉक्टर, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, अच्छा ठीक है बर्दाश्त कर लिया। फिर जब 3.5-4 साल बाद मेरी बेटी हुई और मैं ट्रेनिंग में थी, तो सर मैंने मतलब इतने ऑपरेशन और इतनी जो हम लोगों के सारे होते हैं वो सब प्रोसीजर्स करती थी कि जब मैं डॉक्टर के पास गई मुझे ऑन एंड ऑफ इशू रहता था कि लो लाइन प्लेसेंटा, लो लाइन आपकी अवल नीचे आ गई, ये बच्चा आपका अबॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा सही अल्लाह मालिक है, जिस रूह को आना है उसको आना है। उस टाइम मेरी सास ने मुझे कहा कि हमें सपोर्ट करोगी तुम, मतलब जो सैलरी होगी वो मुझे दो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ, वो बिल्कुल ऐसे समझे छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी मेरी बेटी हुई, बहुत छोटी कमज़ोर, उस चीज़ को भी लेकर चलती रही सही है ठीक है। उसने सारे अपने जितने भी मुलाजिम थे घर के उन सबको निकाल दिया। उसके बाद वो चले गई लंदन अपनी बेटियों से मिलने के लिए। फिर मैं खाना बनाती थी, मैं डस्टिंग करती थी, सुबह 6 बजे उठकर सर, उसके बाद मैं जाती थी 7 बजे पी एन एस शिफा। उसके बाद दूसरे दिन मैं आती थी दोपहर में 3 बजे, मेरा हस्बैंड खुद मुझे लेकर आता था, मतलब 36 आवर्स की मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं घर आती थी, फिर मैं दोबारा से खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, बर्तन कपड़े मेरे बच्चे का सब कुछ जितना भी है सब कुछ किया। अब वो लेवल आ गया सर कि मेरी हो गई है बस, और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को हमारी कदर है, हम जैसे डॉक्टरों की, और जो इतना सफ़र कर रहे हो लाइफ में, हम लोगों की सैलरी मैक्सिमम जो होती है ना सर वो होती है 1.5-2 लाख, उसके अंदर अगर आप आधी सैलरी अपने इन-लॉज को दे देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, 0। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की लाइसेंस एग्जाम के लिए। लाइसेंस एग्जाम पास हुआ सर मेरा, अब मेरे पास क्या पावर है, अब सिर्फ मेरे पास ये पावर है कि मैं उस लाइसेंस से अब एक तरह से ये समझ सकते हैं कि अपना शोर खरीद ले। मैं दिखाती हूँ कि मैं इतने दुबई का एग्जाम मैंने पास किया, मुझे 25,000 धर्म पे इनिशियल सर मुझे ऑफर मिली, 25,000 धर्म। उन्होंने कहा आप इस पर भी कर लें फिलहाल, उसके बाद डॉक्टर हम आपके अलाउंस वो सब इतना देंगे अकोमोडेशन वगैरह कि आपका हो जाएगा। तो आप समझें कि मैंने एक तरह से अपने शोर को खरीदा है, वो मोमेंटेड अभी तक है स्टिल, लेकिन सिर्फ पैसा, अपना लेवल, अपनी पढ़ाई, अपनी पूरी जो जर्नी में देखती हूँ ना, मतलब अभी भी मुझे पता है कि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरी बेटी, उसका डैडी, और फिर आगे लाइफ की अकेली औरत की क्या लाइफ होती है, तो बर्दाश्त सर एक लिमिट में होती है। आज कुरान भी मैं खोल के पढ़ती हूँ ना, मैंने एक चीज़ तजवीज तफ्तीश सब पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया, उसमें भी कुरान ने हमें बोला है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जहाँ दिलों में गुंजाइश ना हो ना, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप नहीं ले सकते, तो आप अपने रास्ते अलग कर लो। तो रास्ते अलग में क्या करती, मेरे पापा ने कहा कि मेरी गलती है जिंदगी की ना, तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, आ जाओ मेरे पास। अच्छा सोनिया, मैं अपनी बेटी, सोनिया मुझे ये बताइए इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, आर यू विद योर हस्बैंड, अभी इस वक्त आप उनके साथ हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, मैं बता तो रही हूँ कि अभी मेरा रिसेंटली पास हुआ है लाइसेंस एग्जाम। ओके, उसकी वजह से मैं सब कुछ अब कर सकती हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ सर, इतनी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन अब सब मेरे पीछे आ रहे हैं, आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये तो अल्लाह की जात है कि जिसने अभी तक रखा हुआ है मेरी बेटी के बाप को, मेरे शोहर को, बस एक नाम है सर, बाकी और कोई चीज नहीं है, मुझे सबकी हकीकतें बहुत करीब से पता चल गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सोनिया सोनिया का नंबर ले लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आप जाहिर है हम अभी 14 अगस्त का शो प्लान कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन, ट्रूली इंस्पिरेशन, कि आपने इन हालात के अंदर हिम्मत नहीं हारी बल्कि आपने आगे बढ़ के काम किया, आप पढ़ी और इसके बाद अब तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं। देखिए आपके ज़ख्मों का अजाला तो हम नहीं कर सकते, वो तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, पर एट द सेम टाइम कम अज़ कम आपकी मिसाल बना के हम लोगों को ये ज़रूर बता सकते हैं कि यू नो दिस इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। अगर एक जगह से, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई है, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने ज़िंदगी को इस तरह से फतेह किया है, दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट।
देखिए हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, रिमेंबर हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अभी नहीं आपको रिटर्न मिल रहा, लेटर ऑन आपको इस चीज का रिटर्न मिलेगा, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूं। ऑलराइट, वेरी क्विकली फ्यू वर्ड्स जो आप बोलना चाहें। अच्छी अच्छी बातें तो सब बहुत हो गई हैं और आइडियल ज़िंदगी सब चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितनी हमने सारी बातें की हैं बस अब वो इम्प्लीमेंट का टाइम है कि प्लीज़ कोशिश करें। या हो हम ये तो कहते हैं कि जी सास को ऐसे करना चाहिए, बहू को ऐसे करना चाहिए, सिर्फ बातें बातें ना हो, ये एक्चुअली होना चाहिए, ये हम करें सारे लोग मिलकर। यस मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अपने घर को अपने घर की तरह ही समझें, जैसे आप अपना घर छोड़कर आए थे अम्मी और या अबू वाला, तो अगर आप ससुराल आने के बाद ये सोचेंगे कि यही मेरा घर है और इसको मुझे अपने घर की ही तरह लेके चलना है, तो लाइफ बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगी। यस, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुकाबला करना बंद कर दें, औरत को औरत बनना चाहिए और मर्द को मर्द बनना चाहिए। ये जो बराबरी आ गई है ना कि मैं मर्द हूँ कमाती हूँ, कमाने से मर्द नहीं बन सकती आप औरत हैं, आपने घर संभालना है, बच्चे पालना है, तो प्लीज़ खुदा के लिए मुकाबले बंद करके अपना घर बचाए। घर बनते बड़े मुश्किल से हैं, तबाह चुटकियों में हो जाए। और मर्दों को भी ये करना चाहिए कि आपकी हेल्प करें, हेल्प कोई देखें। हमने जो किचन का पूरा में नहीं होना चाहिए, अक्सर औकात लोग मुझे कहते हैं कि किचन के लिए, मैं खुद ये किचन में खाना बनाता हूँ सिर्फ ये बताने के लिए, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। अगर आपकी बेगम बाहर जाके काम कर रही हैं, प्लीज़ मेक श्योर व्हेन शी कम्स होम एंड इफ यू आर अर्ली तो आप खाना बना लें। जो भी पहले आ, मैं अगर बर्तन धो सकता हूँ या मैं अगर किचन का काउंटर क्लीन कर सकता हूँ, नहीं थोड़ा बड़ा सा नहीं, बटाओ हाथ यार, क्या हो जाएगा। ये तो शायद आप इतना अच्छा सोचते, वरना मर्द तो ये सोचते हमारी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, अगर मैं किचन में चला गया, मैंने काम कर लिया, ये मैंने अपनी वाइफ का कर लिया, इसी वजह से घर बर्बाद हो गया और सास को भी बुरा लग जाता, अरे मेरे बेटे ने आज काम कर लिया। व्हाट ईगो जी, बस कॉम्प्रोमाइज करें और सोचें कि मैंने अपना घर बचाना है, और जितना हो मैं तो कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज करें, इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इसका लम्हा आपको ज़रूर बदला देगा और आप बहुत ऐश करेंगी ज़िंदगी में। जिन्होंने हार्ड वर्क किया है उनको उसका रिवॉर्ड मिलता है। बस मैं जाते जाते यही कहूँगा, एक्सपेक्टेशन ना किसी से मत रखें और अपने से रहें, छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दें, बस ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कामयाबी की अलामत है। प्लीज़ लिव एंड लेट लिव, लेट लिव, डोंट जज पीपल, प्लीज़ खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ डू नॉट जज पीपल। कल मिलेंगे, तब तक के लिए, अच्छा कल बाद में बड़ा अच्छा शो है, कल हम शो करने जा रहे हैं आप पैसा कैसे बना सकते हैं।